तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्मैक्स बैनर टूल के बारे में। बेसिकली ये टूल ऐसा होता है जिससे कि आप टर्मैक्स में एक कलरफुल टेक्स्ट बैनर आर्ट लगा सकते हैं। पहले मैं बैनर को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताना सिखाऊंगा। मेरा बैनर रिमूव हो चुका है, अब मैं फिर से बैनर बनाता हूँ और आपको सिखाता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कमांड लिखे गए, आप एक के बाद एक फॉलो करते रहो। पहला कमांड है APT अपडेट। और गाइस दूसरा कमांड है APT अपग्रेड। तीसरा कमांड लगाना है गाइस PKG अपडेट। गाइस आप लोगों को अगला कमांड लगाना है PKG अपग्रेड। और गाइस अब आपको लगाना है TurmX-setup-storage। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछ सकते हो। अब गाइस हम लोग टर्मैक्स में पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए कमांड लगाइए PKG इंस्टॉल python-y। अब गाइस हम लोग बैनर टूल को इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए कमांड लगाइए PKG इंस्टॉल TurmX-banner। बैनर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब उसके लिए सिर्फ बैनर कमांड लगाइए, वो टूल ओपन हो जाएगा। टूल ओपन होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। नाम ऐड करने के लिए इविल बॉक्स कमांड लगाइए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं जो आपको प्रिंट करवाना है। मैं लोकेडियो अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। लिख के एंटर करना है, उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है टर्मैक्स को। एग्जिट करके फिर से ओपन करना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बैनर प्रिंट हो गया है, आप में भी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर।